आज हम पढ़ेंगे समास। परिभाषा हिंदी में, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास में दो शब्द मिलते हैं। संस्कृत में शब्द को पद कहते हैं, अर्थात समास दो पदों का मेल है। जैसे ग्राम गत है, इसमें दो पद है, एक ग्राम दूसरा गत है। जो गाम है वो पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। तो इस प्रकार समास में दो पद होते हैं, सामान्यतः पूर्व पद और उत्तर पद। परिभाषा संस्कृत में, सम सनम समास है। समास के भेद, समास के छह भेद हैं। नंबर एक, क्रमधारय समास। नंबर दो, अविर्भाव समास। नंबर तीन, द्वंद्व समास। नंबर चार, द्विगु समास। नंबर पाँच, तत्पुरुष समास। और नंबर छः, बहुव्रीहि समास। इस प्रकार ये समास के छह भेद हैं। आज हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। क्रमधारय समास को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला विशेषण, विशेष्य क्रमधारय समास। दूसरा उपमान, उपमेय क्रमधारय समास। और तीसरा पूर्व पद अवधारणा क्रमधारय समास। परीक्षा में प्रश्न आएगा समास युक्त का विग्रह करना और विग्रह का युक्त करके समास का नाम बताना। इसलिए हमें प्रत्येक समास की पहचान आनी चाहिए। तो अब हम सीखेंगे समास युक्त करना और विग्रह करना, और उसमें पहला है विशेषण, विशेष्य कर्मधारय समास। जैसा कि नाम से पता चलता है कि इस उदाहरण समास में एक पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। विशेषण उसे कहते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है, और विशेष्य उसे कहा जाता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, अर्थात जहाँ एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है वहाँ विशेषण, विशेष्य क्रमधारय समास होता है। जैसे नील कमलम, इस उदाहरण में दो पद हैं, एक नील और दूसरा कमलम। पहला पद नील दूसरे पद की विशेषता बताता है, इसलिए यह
विशेषण विशेष्य क्रमधारी समास है। दूसरा उपसर्ग विशाल वृक्ष है, इसमें एक पद अर्थात प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है। जो वृक्ष है वो विशाल है, ये इस वृक्ष की विशेषता है, इसलिए ये उदाहरण भी विशेषण विशेष्य क्रमधारी समास का है। अब संस्कृत में विग्रह, विशेषण विशेष्य